आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। बेसिकली इसमें आपने क्या पढ़ना है कि जितनी भी आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस टाइप का होता है, और उसमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक आपको ये जनरल आइडिया होता है एफएससी में हम सब पढ़ कर आते हैं कि आपकी बॉडी जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सेल का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। अब सेल के दो एनवायरनमेंट्स होते हैं। अब आप अगर सेल को देखो तो इसके इस डायग्राम के अंदर देखो एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के ये आपको स्पेस बाहर की साइड पे नज़र आ रही है ये सारी, और एक स्पेस होती है जो सेल के अंदर की साइड पे ये नज़र आ रही होती है। जो बाहर है दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट आप कहोगे, और जो सेल के अंदर है उसको आप इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहोगे। क्या होगा कि और उसके दोनों स्पेसेस जो है ना उसके अंदर फ्लूइड होता है। जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा हम उसको बोल देंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर में होगा हम उसको बोल देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब दोनों साइड्स पे क्या होता है, दोनों फ्लूइड्स के अंदर सर्टेन आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन आयंस की कंसंट्रेशन जो है ना वो डिफरेंट होती है। जब आप मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आपने इन दोनों साइड्स पे जितने भी आयंस हैं उनका सिग्निफिकेंस पढ़ना होता है कि कौन सा आयन है जो बाहर की साइड पर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर इंक्रीज्ड है, हाई कंसंट्रेशन में है, कौन सा आयन है जो कि सेल की इंट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन के अंदर है। अब इस टेबल के अंदर आपको डिफरेंट आयंस नज़र आ रहे होंगे। ऊपर एक साइड पे लिखा है ECF और एक साइड पे लिखा है ICF। ECF का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ICF का मतलब क्या है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसके अंदर जो आपने चीज़ें मेन इंपॉर्टेंटली याद रखनी है वो क्या कि आप सोडियम की कंसंट्रेशन देखोगे, और इसके अलावा पोटेशियम की देखोगे, क्लोराइड की देखोगे, फॉस्फेट्स और प्रोटीन्स की देखोगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, मैं आपको मार्क कर दूँ, ये सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड, और तीसरा प्रोटीन्स देखोगे, फॉस्फेट्स देखोगे, ठीक है। ये सारी कंसंट्रेशन आपने देखनी होती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आपके नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है या आपकी मतलब ये ना ये कुछ ऐसे आयंस हैं जो आपको लाजमी इतना पता होना चाहिए कि कौन सा आयन जो है वो सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन में है, कौन सा आयन जो है वो सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन में या लो कंसंट्रेशन में, जैसे भी रिस्पेक्टिव उसकी कंसंट्रेशन आती है। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन आयन जैसे मैं कहूँ, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है उसके लिए, ग्लूकोज के लिए, अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये कुछ चार पांच चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सोडियम क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 142 और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर उसी कॉन्सेंट्रेशन 10 आ रही है। तो क्या हुआ कि सेल के बाहर का इन्वायरमेंट के अंदर सोडियम जो है वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर है। आप वैल्यू याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी याद रख पा रहे तो आपको इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सोडियम जो है दैट इज़ इन लार्ज अमाउंट एक्स्ट्रा इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बट जो पोटेशियम है दैट इज जो आउटसाइड है दैट इज इन लो कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। सेकंड पे आपको पोटेशियम नज़र आ रहा है। इसी तरह क्लोराइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है। आप एक कॉमन सी बात याद रख लो कि सोडियम और जो क्लोराइड है बाहर सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में हाई कंसनट्रेशन में होता है, पोटेशियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता है और इनसाइड क्या होगा वो ज़्यादा होगा। इसकी सिग्निफिकेंस हम जब हम नर्वस कंपोनेंट पढ़ेंगे उसके अंदर भी इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि कैसे ये हेल्प कर रहा होता है हमारे सेल के अंदर की नेगेटिविटी को इंक्रीज करके या मेंटेन करके या डिक्रीज करके, नर्व जो इम्पल्स है उसकी ट्रांसमिशन में हमें हेल्प कर रहा होता है। दूसरी चीज़ आप क्या याद रखोगे, पोटेशियम और प्रोटीन्स ये क्या हैं कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर लार्ज क्वान्टिटीज़ के अंदर है इन कंपेरिजन टू देयर कॉन्सेंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। अब सोडियम हमने कहा सेल के बाहर ज़्यादा है, क्लोराइड हमने कहा सेल के बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम हमने कहा सेल के अंदर ज़्यादा है, प्रोटीन्स और जो फॉस्फेट थे दैट आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। तो सेल के अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो दैट वॉज अ कंपेरिजन कि कैसे आयनिक कंसनट्रेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के लिए आपने जो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी होती हैं, एक तो ये आयन की कंसंट्रेशन हो गई और दूसरा हो गया आपका सेल का स्ट्रक्चर। अब सेल का स्ट्रक्चर क्या है, हमने कहा जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपने बायोलॉजी की बुक्स में अंदर कि एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर बिल्कुल हम सिंप्लीफाइड करके करें कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है,
साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है, और सर्टेन ऑर्गेनेल्स दैट आर जो है वो फ्लोटिंग इनसाइड योर साइटोप्लाज्म, इनसाइड द सेल इन साइटोप्लाज्म। वो तीन चार चीज़ें हमने बोल दी, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। जो आप मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ते हो, दैट इज़ योर मेम्ब्रेन, जो आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन है वो, क्योंकि वहाँ से जो आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी किस्म का मॉलिक्यूल है उसने क्रॉस करना होता है। तो उसकी फिजियोलॉजी को समझने के लिए आपको उसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी याद हो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता था, जो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास लिपिड की बायलेयर होती है, ठीक है, ये एक लेयर है लिपिड की, ये दूसरी लेयर है लिपिड की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको क्लोज करके दिखाएं, चलें। अब क्या है कि लिपिड की बायलेयर तो हो गई, यानी एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, और उसके अंदर या ऊपर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जो मैं क्लासिफाई कर सकती हूँ चैनल प्रोटीन्स के अंदर, पहले बल्कि एक जनरल क्लासिफिकेशन देखें तो हम उसको एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कह देते हैं और एक पेरिफेरल प्रोटीन कह देते हैं। यानी यहाँ पर जो आपको ये सारी जो ये वाली प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, ये क्या करेंगी, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही हैं, और ये जो पेरिफेरी पे नज़र आ रही है, पेरिफेरी कहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की जो मार्जिन होती है ना उसको, ये जो मार्जिन हैं इसको हम बोलते हैं ये पेरिफेरी है। तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल के अंदर एम्बेडेड हैं, उनका काम होता है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बिल्कुल उसकी पेरिफेरी के साथ अटैच होती हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या दूसरा नाम उसको बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है कि इंटेग्रल प्रोटीन को ही आगे दो क्लासिफिकेशन है, दो जो पार्ट्स हैं उसको मैं डिवाइड कर दूँ, मजीद उसको क्लासीफाई कर दूँ, तो एक होता है चैनल प्रोटीन्स और दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है ना कोई पोर होगा, कोई ना कोई होल होगा, और वहाँ से जो है क्योंकि मैंने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, तो उस पोर के थ्रू कोई ना कोई मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आया कि वो बाहर जा रहा है, वो सेल के अंदर आ रहा है, वो अलग बहस है, लेकिन क्या करेगा कि वो चैनल प्रोटीन्स जो है उसके अंदर जो पोर्स हैं या होल्स हैं या चैनल्स हैं, वहाँ से जो है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अपनी ट्रांसपोर्टेशन पूरी करेगा। दूसरी जो है इसको हम डिवाइड करते हैं कैरियर प्रोटीन्स में। कैरियर प्रोटीन क्या करता है कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये जिस भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा ना, जिस भी मॉलिक्यूल को इसने ट्रांसपोर्ट करना होगा, ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन को मैंने दो चीज़ों में क्लासिफाई किया, एक हमने क्या कह दिया कि ये है, इसको मैंने कह दिया कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, और दूसरे हमने कह दिया पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में जो चैनल प्रोटीन्स थे उसके अंदर पोर्स थे, और जो कैरियर प्रोटीन है इसके साथ जिस भी मॉलिक्यूल ने जो है वो ट्रांसपोर्ट होना है वो इसके साथ अटैच होगा, इस प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, और उन चेंजेस के बाद ये जो प्रोटीन का जो प्रोटीन है ये उस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इस तरह क्लासिफाई कर दिया हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन्स थी। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बोली, एक बोला लिपिड बायलेयर होता है, बायलेयर का मतलब है कि दो लेयर होती है लिपिड की, और दूसरी चीज़ हमने बता दी कि प्रोटीन्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी याद रखनी है, वो हमने दो चीज़ें बता दी। प्रोटीन्स को आगे हमने क्लासिफाई कर दिया, ये क्लासिफिकेशन आपने ज़रूरी लाजमी याद करनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, अब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम अपना मेन टॉपिक आते हैं कि हम लोग ने पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अब दो इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं कैसे, कि या तो वो हो सकती है डिफ्यूजन या वो हो सकती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब डिफ्यूजन का क्या मतलब है, डिफ्यूजन का मतलब है कि एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव का मतलब है कि वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही बल्कि खुद ब खुद जो है वो आयंस मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग, यानी एक एरिया जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, वहाँ से एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो आ रहे हैं किसी लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। जैसे आप एक कॉमन एग्जांपल जो अगर मैं फिजियोलॉजी से हट के दूं, वो जब आप परफ्यूम की एग्जांपल लेते हैं, जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो एक एरिया पे हाई कंसंट्रेशन होती है, वो डिफ्यूज़ करते हैं सारे पार्टिकल्स ऐसी जगह पे जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद जो सिंपल काइनेटिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल को यूज़ करते हुए जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, ये
पैसिव प्रोसेस है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है, इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिपिड से सॉल्युबल हैं, वो क्या करेंगे, वो खुद ब खुद अगर सेल के बाहर ज़्यादा कंसनट्रेशन में है और वो लिपिड को लेयर को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं, तो वो खुद ब खुद डिफ्यूज़ कर जाएंगे इनसाइड द सेल। और इसी तरह वाइस वर्सा फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर जो मूव करते हैं आयंस। इसके बरक्स अगर हम देखें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि एक अब यहाँ पर मॉलिक्यूल की ऐसी मूवमेंट होनी है कि वहाँ ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे होंगे, यानी अब ये एक एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी हाई कंसंट्रेटेड है, ये क्या करेगा कि अब ये लो से हाई की तरफ जाएगा, यानी जहाँ पर ऑलरेडी हाई है वहीं जाना शुरू कर देगा, वहीं मूव करना शुरू कर देगा। और यहाँ इस प्रोसेस के लिए इसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो दो आपने बता दिया, जब आपका डिफरेंसेस अगर आपको मैं कहूँ कि आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, एक चीज़ आपने बता दी कि पैसिव प्रोसेस था डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिव प्रोसेस है, यानी डिफ्यूजन क्या करेगा कि एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूटिलाइज करेगा। फिर आपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बता दिया कि डिफ्यूजन जो है जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं कंसंट्रेशन के डिफरेंस को कि एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन है एक जगह पे लो कंसंट्रेशन, तो डिफरेंस आ जाता है ना, तो हाई से लो की तरफ जाएगा तो अलोंग है, लो से हाई की तरफ जाएगा तो वो अगेंस्ट है। डिफ्यूजन अलोंग द ग्रेडियंट जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाता है। इसके बाद क्या कहा कि नॉर्मल काइनेटिक मोशन ऑफ द मैटर को यूज़ किया, मतलब नॉर्मल काइनेटिक मोशन के थ्रू डिफ्यूजन में मूव कर रहा है, और बिसाइड्स जो आपकी एनर्जी कंसंट्रेशन जो आपको चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है, काइनेटिक एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, वो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो तीन आपने डिफरेंसेस बता दिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया। ठीक है, अब हम दोनों प्रोसेस को अलग अलग इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर जाएँ तो पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या है, अच्छा डिफ्यूजन एक जनरल कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया है क्या, इसको भी हम क्लासिफाई कर देते हैं कि एक सिंपल डिफ्यूजन है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, अब सिंपल डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि वही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया, एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मॉलिक्यूल मूव कर गया। अब इसी एग्जांपल्स में ये बिल्कुल सिंपल जो कॉन्सेप्ट था वही सिंपल डिफ्यूजन में आता है, इसके अंदर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं यूज़ हुआ, कोई एनर्जी यूज़ नहीं हुई, सिंपल प्रोसेस हाई से लो की तरफ चला गया। इसकी एग्जाम्पल्स में आता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, हाई से लो की तरफ मूव करेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल के बारे में बात करेंगे सारी, तो जो भी मैं एग्जांपल दूंगी वो विद रेफरेंस टू सेल मेम्ब्रेन होगी। तो हमने सिंपल डिफ्यूजन में क्या एग्जांपल दी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दूसरी क्या हम इसको कैसे किस क्लास में क्लासिफाई करते हैं, दूसरी का नाम होता है फैसिलिटेटेड, इसको हम कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, जो फैसिलिटेटेड है उसी को हम कैरियर मेडिएटेड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, क्योंकि हमने कहा कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती इसमें, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर यूज़ होगी वो होगा एक कैरियर प्रोटीन। हमने ऊपर पढ़ा ना कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन जब हमने की थी तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर हमने चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स के बारे में बात की थी, उसी तरह अब यहाँ पर आपके पास कैरियर प्रोटीन यूटिलाइज होंगे। अब ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करेंगे कि इसके साथ जिस भी मॉलिक्यूल ने ट्रांसपोर्ट होना है वो उसके साथ अटैच होंगे, उस प्रोटीन के अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे और वो उसकी ट्रांसपोर्ट कर देगा। इस प्रोसेस के थ्रू जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं वो क्या है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल आप साथ साथ नोट करते जाएँ, आपने साथ साथ लिखते जाने हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, वही जो मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और अगेंस्ट द ग्रेडियंट, सेम वही कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, इसको भी हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अब कुछ चीज़ें होती हैं लिपिड सॉल्युबल और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होती। हमने कहा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि दोनों साइड्स पे तो लिपिड्स है, ऊपर भी लिपिड की लेयर है और नीचे भी लिपिड की लेयर है। अब अगर किसी मॉलिक्यूल ने यहाँ से मूव करना है तो ज़रूरी है ना कि वो लिपिड, अगर डिफ्यूज़ करना है तो ज़रूरी है कि वो लिपिड सॉल्युबल हो, ताकि वो इजीली लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो उसको क्रॉस कर सके। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या करती हैं, वो तो आराम से डिफ्यूज़ कर जाती हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कुछ ऐसी सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, या वाटर जो है, क्योंकि वाटर भी लिपिड सॉल्युबल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल चीज़ होती है। वाटर के लिए जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर होते हैं स्पेशल एक्वापोरिन्स, एक्वा यानी वाटर, पोरिन्स यानी पोर, स्पेशल पोर्स होते हैं। वाटर की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, वाटर आराम से मूव कर जाता है उन एक्वापोरिन्स के थ्रू।
एक्वापोरेंस। दूसरी चीज़ होती है जो लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए हमारे पास प्रोटीन पोर चैनल्स होते हैं, प्रोटीन पोर्स या प्रोटीन चैनल्स बोलें, प्रोटीन पोर चैनल्स बोलें। अब इनके थ्रू जो इनसॉल्युबल है ना, लिपिड्स इनसॉल्युबल, वो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। अब मैंने जो नाम लिया प्रोटीन पोर चैनल्स या प्रोटीन पोर्स या प्रोटीन चैनल्स, तो इसकी जो हम प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और आगे हमें इसको क्लासीफाई करके मज़ीद जो है वो सिम्प्लीफिकेशन मिलती है। एक क्या चीज़ है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, और दूसरा गेटिंग। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि ये सिर्फ सर्टेन जो आयंस हैं उनको, सर्टेन सब्सटेंसेस हैं उनको पास करने की परमिशन देते हैं सिलेक्टिवली। सबको पास नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ को पास करने देंगे, कुछ को नहीं करने देंगे। और दूसरा गेटिंग। गेटिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्या कि कुछ ऐसी, मतलब हमने कहा ना ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स पोर्स कहा हमने, अब ये ऐसी प्रोटीन्स हैं कि जिनके साथ कोई ना कोई दूसरी सब्सटेंस अटैच होगी तभी ये ओपन या क्लोज होंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कोई एक आयन आया है वो उसके साथ अटैच हुआ है, तब ये ओपन होगा और ये ट्रांसपोर्ट को जो है वो होने देगा, वरना ये क्लोज रहेगा। इसी तरह या उल्टा काम भी हो सकता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ है तब ये क्लोज हो जाए। तो ओपन या क्लोज किस पर डिपेंड करेगा, कि इसकी नेचर पे। इसको हम क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं कि ये वोल्टेज गेटेड भी हो सकता है और दूसरा लैगिंग गेटेड भी हो सकता है। वोल्टेज गेटेड का मतलब क्या है कि जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस आएंगे ना, जो हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस आएंगे तब ये ओपन या क्लोज होगा। और लैगिंड गेटेड का मतलब क्या है, लैगिंड किसी भी केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं, जब कोई केमिकल सब्सटेंस स्पेसिफिक, हर प्रोटीन के लिए जो है वो स्पेसिफिक होगा, तो जब वो स्पेसिफिक अटैच होगा उसके साथ तब वो ओपन या क्लोज होगा। अब अगर हम इसको मज़ीद क्लासीफाई करें, जैसे वोल्टेज गेटेड है, तो वोल्टेज गेटेड में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चेंजेस आएंगे तब वो ओपन या क्लोज होगा। इसकी एग्जांपल में आता है सोडियम गेट्स या पोटेशियम गेट्स। जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, हमने कहा था ना कि नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी कम होना शुरू होगी, या मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि पॉजिटिविटी इंक्रीज करना शुरू करेगी, तब सोडियम गेट्स ओपन होंगे। इसी तरह पोटेशियम गेट्स भी तभी ओपन होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि पोटेशियम गेट्स स्लोली ओपन होते हैं। लाइगेंड गेटेड में मैंने आपको कहा कि ये कहते हैं किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल को, एक बाइंडिंग सब्सटेंस को हम बोलते हैं लाइगेंड। अब इसके अंदर क्या आता है, एसिटाइल कोलिन चैनल्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन गेट्स होते हैं। उसमें क्या होगा कि वो उस गेट के साथ जब एसिटाइल कोलिन अटैच होगा तभी वो ओपन होंगे। इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने नर्व फिजियोलॉजी जब पढ़नी है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि वोल्टेज गेटेड में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस आएंगे, और लैगिंग गेटेड के अंदर जब कोई ना कोई लैगेंड उसके साथ अटैच होगा। इसकी एग्जांपल हमने कहा एसिटाइल कोलिन गेट्स। अब डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये सारा क्या करता है, ये चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यानी वो एबिलिटी जो वो परमिट, एक परमिशन लेटर फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि वो परमिट कर रहा है कि हाँ जी आप मॉलिक्यूल में से क्रॉस कर, मेरे अंदर से क्रॉस कर सकते हो, दूसरा एक दूसरे को कह रहे हो आप नहीं क्रॉस कर सकते। तो किसी भी चीज़ की परमेबिलिटी, उस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी फॉर सर्टन सब्सटेंस, फॉर सर्टन मॉलिक्यूल और सर्टन आयन अगर इंक्रीज करेगी, डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगी तो डिक्रीज करेगी, अगर परमेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो डिफ्यूजन डिक्रीज करेगी। इसी तरह ये सारे चार फैक्टर्स हैं जिसकी इंक्रीज से जो है वो डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा, और जिसके डिक्रीज से डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर हाई करोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट तक हाई करोगे, डिफ्यूजन इंक्रीज होती जाएगी, कम करोगे तो कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा आता जाएगा, एक साइड पे बहुत हाई और एक साइड पे बहुत लो है, तब भी जो आपकी डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो फास्ट होता जाएगा। और प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट भी आप ऐसे समझो कि एक छोटा सा दरवाज़ा है और एक साइड पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने क्रॉस करना है और दरवाजे क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है। अगर वहाँ पर जो जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के थ्रू फास्ट डिफ्यूजन होगी, वो जल्दी जल्दी वहाँ उस दरवाजे को क्रॉस करके तो लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। तो प्रेशर ग्रेडियंट भी इस तरह जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है उसका डिफ्यूजन के रेट पर। तो ये सारा काम क्या है, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है दैट इज़ ऑल अबाउट डिफ्यूजन। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ ऑस्मोसिस। आपको जनरल आइडिया है ऑस्मोसिस के बारे में, तीन चीज़ें आपने जो याद रखनी है। पहली बात, ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो तीन चीज़ें मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बता दी वो क्या है कि ये सिर्फ वाटर की मूवमेंट को कहते हैं, दूसरा हम क्या कहते हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है, और तीसरी मैंने क्या चीज़ बताई कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है।
ठीक है, अब इन तीनों को अगर मैं बताऊं, ऑस्मोस एक्सप्लेन करूं तो क्या है, ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर की मूवमेंट को कहते हैं। जब मैं बात कर रही हूं कि हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि हाई एक ऐसा एरिया है जहां पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वो अपने ऑपोजिट साइड की तरफ जा रहा है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है कि वो कुछ आयंस को अपने अंदर से पास करने दे रही है, कुछ आयंस को अपने अंदर से पास नहीं करने दे रही, ठीक है। सेमी परमेबल है, कुछ से वो कुछ के लिए परमेबल है, कुछ के लिए नहीं है। तो क्या हुआ कि जब डाइल्यूट से, आप इसका कॉन्सेप्ट ऐसे याद रख लो कि तकसीम को ना इक्वल करना है, एक साइड है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, एक साइड पे वहाँ पे पानी कम है, तो क्या होगा कि ज़्यादा पानी वाले साइड से वो कम पानी वाले साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, हाई वाटर कंसंट्रेशन से वो लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ताकि दोनों को इक्वल इक्वल पानी मिल जाए, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, तीन चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट बता दी। अब इसके अलावा ऑस्मोसिस के अंदर जो आपने चीज़ें याद रखनी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये वो प्रेशर है जिससे पानी जो है, जो वाटर है, वो मूव करती है फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। वो सर्टेन प्रेशर के थ्रू का मूव कर रही होती है ना, तो वो प्रेशर जहाँ पे वो हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है, वो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। यही प्रेशर जब मैं लगाऊंगी तो क्या होगा, मैं इसको दूसरी एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकती हूँ, दूसरी तरह मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकती हूँ, डिफाइन कैसे कर सकती हूँ कि वही प्रेशर जो मैं अप्लाई करूंगी तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। यानी चार बंदे हैं वो एक साइड पे खड़े होकर दरवाजे को धक्का मार रहे हैं ऑस्मोसिस के लिए, अगर मैं वही प्रेशर उल्टी साइड से लगा दूँ तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया ना। आप इसे याद रखो ना, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो दो डेफिनेशन मैंने बता दी कि जिससे वाटर मॉलिक्यूल, जिस प्रेशर से वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, और दूसरा मैंने बता दिया कि वही प्रेशर है जो मैं अप्लाई करूंगी तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब इसकी डिपेंडेंस किस पे होती है कि जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था ना, क्योंकि हमने कहा डाइल्यूट से जा रहा है वो कंसंट्रेटेड तरफ, तो जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल सॉरी जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जो पार्टिकल्स प्रेशर लगा रहे होते हैं ना पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के, जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर लगा रहे होते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका ऑस्मोसिस। दो तीन डेफिनेशन जो आपने और याद रखनी है वो, पहली बात ओस्मोल। ओस्मोल का क्या मतलब है, एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक अनडिसोसिएटेड सोल्यूट के, सोल्यूट क्या कहा मैंने, फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन बनाया, पानी डाला और अंदर चीनी डाल दी, ठीक है, ग्लूकोज डाल दिया, C6H12O6। अभी ये जब पानी के अंदर डिजोल्व हुआ है तो ये अनडिसोसिएटेड है, यानी ये कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग नहीं हुआ अभी, ठीक है। अब क्या होगा कि अनडिसोसिएटेड सोल्यूट है, इसकी कंसनट्रेशन एक मोल के अंदर कितनी होती है, हमें एवोगाड्रोस नंबर अगर याद है 6.02 × 10^23 पार्टिकल्स होते हैं। तो एक मोल ऑफ सोल्यूशन जब मैं बना रही हूँ, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन अनडिसोसिएटेड सोल्यूट क्या है, ये उसका ओस्मोल है। ओस्मोल हमें क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि ओस्मोलैरिटी और ओस्मोलैलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम रीनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो इसके कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, आर वाला, ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर लीटर, और ऑस्मोलैलिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर केजी। इसको भी याद रखने का आसान तरीका, लीटर के अंदर आर आ रहा है, आप ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है कि ऑस्मोल्स पर लीटर, और ऑस्मोलैलिटी का मतलब क्या है ऑस्मोल्स पर केजी। इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, डिफ्यूजन हो गई और ऑस्मोसिस हो गई, जो चीज़ रह गई दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने क्या करना है, अब बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया बस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने जनरल कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जा रहा है, कोई ना कोई प्रोटीन को यूज़ कर रहा है, एटीपी को यूज़ कर रहा है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है सारा। अब इसके अंदर जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़नी है वो तीन एग्जाम्पल्स हैं, एक को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी दोनों को जनरल पढ़ लेंगे। पहली जो हमें डिटेल में पढ़नी है दैट इज सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोजेनिक पंप। अब क्या होता है कि एक हमारे पास पंप होता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोजेनिक पंप। वो क्या करेगा, एक सर्टेन प्रोटीन को यूज़ करेगा, उस प्रोटीन के थ्रू क्या होगा, एक साइड पे मूवमेंट, मैं आपको क्या आपको यहीं पे बना के दिखा दूँ। अच्छा, हमारे पास क्या हुआ, ये एक प्रोटीन थी, यूँ ऐसे प्रोटीन है, ठीक है, ये सेल ये बना दिया लिपिड बायलेयर। अब यहाँ पे क्या है, ये सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है और ये सेल के बाहर का, यानी ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रा सेलुलर है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने आपको बोला सोडियम पोटेशियम, ये जो ये प्रोटीन है ना, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। अब सोडियम आउटसाइड द सेल जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो इंक्रीज होता है,
ये पंप क्या करेगा, क्योंकि इसने अगेंस्ट जाना है ना, जहाँ पे ऑलरेडी हाई कंसेंट्रेशन है वहीं पे वो मजीद लेके जा रहा होता है। तो ये सेल के अंदर ना इसके तीन ये सब यूनिट्स बने होते हैं। ये क्या करेगा कि यहाँ पे सोडियम अटैच होगा, एक दो और तीन, तीन सोडियम अटैच हुए, ये क्या कर देगा, इसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा। जो बाहर वाला है उसके ऊपर क्या होता है, दो पोटेशियम के चैनल, दो पोटेशियम के जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे दो पोटेशियम चैनल्स अटैच हुए, और पोटेशियम ऑलरेडी सेल के अंदर इंक्रीज था, लेकिन इसने क्या किया कि इसको अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया, तीन सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट किया और दो पोटेशियम को अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया सेल के। तो ये क्या हुआ कि ये सारे का सारा मतलब अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ही जो है वो मूव कर दिया, राइट। अब इसमें क्या हुआ, जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ कर रहा है, जो है वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी भी यूटिलाइज करेगा। मैंने आपको कहा इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज है एक स्मॉल। अब दोनों में से जो अंदर के रिसेप्टर्स होते हैं, जो अंदर का जो आपका पार्ट होता है उसके ऊपर, तो हम मैंने कह दिया कि आपके पास सोडियम का जो है वो रिसेप्टर होता है, वो सोडियम के साथ अटैच होगा। ठीक है, और जो बाहर वाला रिसेप्टर था उसके साथ पोटेशियम अटैच होगा। जो आपके पास अंदर वाला रिसेप्टर था, ये इसी के अंदर यहाँ पर एटीपीएज एक्टिविटी भी हो रही होती है, यानी एक एटीपी आएगा, वो ब्रेक डाउन होगा, वो यूज़ होगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाएगा, और जो बाकी ये फॉस्फेट हो गया, और जो बाकी रह गया एनर्जी यूटिलाइज करके सोडियम को अगेंस्ट द ग्रेडियंट चला गया और पोटेशियम इनसाइड आ गया अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या हुआ कि एनर्जी भी यूटिलाइज हो गई और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो आयन की मूवमेंट भी हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपका यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है, अब इसको मैंने सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहा। इलेक्ट्रोजेनिक क्यों कहा, कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी को जो ग्रेडियंट है उसको क्या कहते हैं जनरेट कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रेडियंट जनरेट कर रहा है, हमने इसको इसलिए बोल दिया ये इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। पंप तो हमने इसलिए कह दिया क्योंकि वो आयन की मूवमेंट कर रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है, एटीपी यूज़ करके पंप कर रहा है, वो बेसिकली अंदर से पंप करके बाहर फेंक रहा है, या बाहर से पंप करके अंदर की तरफ फेंक रहा है। तो इलेक्ट्रोजेनिक हमने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रो एक 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 डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो कि चार्जेस से रिलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। और दूसरा ये कि पंप हमने इसको बोल दिया क्योंकि ये अपनी पंपिंग एक्टिविटी कर रहा है एटीपी को यूज़ करके। इसके ये इलेक्ट्रोजेनिक का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा जो दो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, वो एक कैल्शियम पंप है और एक हाइड्रोजन पंप है। इसकी आप बस एप्लीकेशन याद कर लो। कैल्शियम पंप के लिए जो आपने चीज़ याद रखनी है वो क्या, कि ये आपके पास सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कैल्शियम पंप होते हैं, ये साइटोप्लाज्म से कैल्शियम लेंगे और उसको बाहर मूव कर देंगे। कुछ यहाँ पर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइल्स होती हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर भी रिसेप्टर्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म से कैल्शियम लेंगे और ये इस ऑर्गेनाइल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इस लिहाज से क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर 10,000 times लेस देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो है वो कैल्शियम कम होती है। ठीक है, ये फिगर आपने याद कर लिया और इसका रीज़न भी आपने याद कर लिया, क्यों, क्योंकि एक पंप तो है वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है जो कि आउटसाइड कर रहे हैं उसको मूव कैल्शियम को, और दूसरा मेम्ब्रेन जो दूसरे पंप हैं वो आपके बेसिकली ऑर्गन्स के अंदर हैं जो कि कैल्शियम को मूव कर रहे हैं आपके ऑर्गन्स के अंदर। जो लास्ट कॉन्सेप्ट एक और, जो हाइड्रोजन पंप है, हाइड्रोजन पंप ने क्या करना है, हाइड्रोजन को मूव करना है। हाइड्रोजन को मूव करना आपकी बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी है, इसने आपकी पीएच को मेंटेन करना होता है। इसकी लोकेशन आप दो चीज जगह पर याद रखो, एक आपकी जो स्टमक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, उसके अंदर पेराइटल सेल्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप एक टाइप ऑफ सेल याद रखो, पेराइटल सेल्स। उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन पंप होते हैं, जब आपकी जो आपका फूड है वहाँ पे पीएच कम हो रही होगी, ये उसके हाइड्रोजन को मूव करेगा, वहाँ पे पीएच इंक्रीज कर देगा। जब इसी तरह हाइड्रोजन के मूवमेंट को वो पीएच को मेंटेन, इंक्रीज या डिक्रीज, लेकिन मेंटेन रखना है उसने जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो एक लोकेशन होगी इसकी पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दूसरी लोकेशन क्या है इसकी, लेट डिस्टल टिब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग टिब्यूल्स। अगर आपको याद हो तो नेफ्रॉन का यूं प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है, यूं क्या कहते हैं लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टल टिब्यूल होता है, योग कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो तो ये जो लेट पार्ट है इसका, और इसके अलावा ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन आयन के जो है वो पंप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या करेंगे, आपके यूरिन के अंदर आपकी पीएच को मेंटेन कर रहे होंगे, क्या कितना हाइड्रोजन आयन जो है वो वाटर वो जो है वो एक्सीट आउट करना है और कितना जो है वो प्रिजर्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी चीज आ गई, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी का मतलब क्या है कि ये खुद से डायरेक्ट नहीं हो रही, एक कोई भी मॉलिक्यूल था ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उसने खुद से मूव करना था,
या अंदर मूव करना था। यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हुई वो इस मॉलिक्यूल ने की, लेकिन इस मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से कोई और मॉलिक्यूल जो है उसकी भी ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है, मेजर इसी की जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी, लेकिन इसकी मूवमेंट की वजह से किसी और की भी मूवमेंट हो गई, किसी और की भी ट्रांसपोर्ट हो गई, तो हमने उसको क्या बोल दिया कि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों? कि जो पहला मॉलिक्यूल मूव कर रहा था वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा था, जबकि जो दूसरा मॉलिक्यूल उसकी वजह से मूव कर रहा था वो ATP यूज़ नहीं कर रहा, वो एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा, तो सेकेंडरी एक्टिव के इनडायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई उसकी। ठीक है, अब इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी, और ये ATP यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर उसकी वजह से जो दूसरे मॉलिक्यूल ने मूव करना है वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और वो उसी के अलोंग उसी के डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। अगर तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसमें से वो प्राइमरी वाला कर रहा था, तो हमने उसको क्या बोल दिया कि ये सेम पोर्ट है, सेम डायरेक्शन में उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है। और अगर वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमने क्या बोल दिया कि ये काउंटर पोर्ट है, कि यानी वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस जहाँ पे प्राइमरी मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट साइड पर क्या मूव कर रहा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला मॉलिक्यूल। इसके अंदर एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, सेम पोर्ट के अंदर है सोडियम, जो सिंपोर्ट सेम वाला है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, यानी क्या हुआ कि यहाँ पर ग्लू अमाइनो एसिड सॉरी सोडियम था वो बाहर जब मूव कर रहा है एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, तो यहाँ पर दूसरी साइड पे क्या हुआ कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच हो गया और वो इनसाइड मूव कर गया, या अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल अटैच हो गया और वो इनसाइड मूव कर गया। आई है, मैंने उल्टा बना दिया, आप इसको ऑपोजिट कर लो, सॉरी इस कॉन्सेप्ट को एक में मैं क्लियर कर दूँ। हम लोग कह रहे थे सेम ट्रांसपोर्ट वाला, यानी जहाँ पर ग्लूकोज सॉरी सोडियम वाला जो है वो बाहर मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन के अंदर ग्लूकोज या जो अमाइनो एसिड है वो मूव करेगा। ये कौन सा प्लीज क्लियर कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कि सेम डायरेक्शन के अंदर सेम पोर्ट हो रहा है क्या सोडियम के साथ ग्लूकोज या अमाइनो एसिड, सोडियम प्राइमरी है और उसके साथ ग्लूकोज या अमाइनो एसिड जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बरक्स अगर हम देखें कि काउंटर पोर्ट में क्या हो रहा होता है, सोडियम के अगेंस्ट, तो सोडियम के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है कि एक साइड पे अगर सोडियम मूव कर रहा है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या क्या मूव कर सकता है, ये आप लोग नोट भी कर लेना, पोटेशियम है, कैल्शियम है और इसके अलावा हाइड्रोजन है। तो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि उल्टी डायरेक्शन में काउंटर डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। सोडियम अगर बाहर जा रहा है तो इसके उल्टी डायरेक्शन के अंदर क्या क्या मूव कर सकता है, पोटेशियम, कैल्शियम या हाइड्रोजन। तो पहली जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल थी वो सेम डायरेक्शन में थी, और ये जो तीन एग्जाम्पल हैं ये काउंटर पोर्ट है, यानी ये उल्टी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के जो जनरल फीचर है। ठीक है, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क, और अभी तक के लिए इतना है।